मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं बड़ी बात। बड़ी बात में आज हम बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस की, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। पहले भी कई बार मंच से लेकर सड़कों तक संग्राम रहा, कलह रही और कलह की कहानी खुलकर सबके सामने आई और एक बार फिर से आमने सामने कांग्रेसी नजर आ रही है। बात करेंगे हिसार की, जहां कल कांग्रेस मंथन शिविर चल रहा था। अशोक तंवर की अगुवाई में यह मंथन चल रहा था और पूर्व सीएम हुड्डा भी हिसार में रहे, लेकिन वो शिविर में नहीं पहुंचते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो कहा जाता है कि मुझे आमंत्रण नहीं मिला था, मुझे न्योता नहीं दिया गया था। और यही सवाल जब तंवर से पूछा जाता है तो तंवर कहते हैं कि किसी के दर पर जाकर पीले चावल देने में नहीं जाऊंगा। तो मतलब साफ है कि हरियाणा कांग्रेस में बॉस कौन है, इसको लेकर खींचतान जारी है। तो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और इस रिपोर्ट में दोनों कद्दावर कांग्रेसियों की एक दूसरे से शिकायतें सुन लीजिए, उसके बाद बड़ी बात में बड़ी बहस करेंगे। हरियाणा कांग्रेस कैसी हो, सरकार आने पर हरियाणा कैसा हो, वो सारी रूपरेखा हम तैयार करेंगे और तमाम जो कार्यक्रम है, धरने, प्रदर्शन, रैलियां, यात्राएं, वो सारे भी हम उस दिन खुलासा करेंगे। तो फीडबैक बहुत अच्छा आया है। ख्याल अच्छा है गाले, दिल बहलाने को। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल हिसार में अशोक तंवर का मंथन शिविर था। उससे एक किलोमीटर की ही दूरी पर कांग्रेस के कद्दावर नेता और सूबे के पूर्व मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में थे, लेकिन हुड्डा मंथन शिविर में नहीं पहुंचे। जब इस बाबत सवाल किया गया तो बोले कि किसी ने बुलाया ही नहीं, कोई जानकारी ही नहीं दी गई। है कांग्रेस का हिसार में आपको निमंत्रण मिला है सर, करेंगे क्या? दो दिन मेरे को पता नहीं कौन किसका कार्यक्रम है कांग्रेस का हिसार में आपको निमंत्रण मिला है सर, करेंगे क्या? दो दिन मेरे को पता नहीं कौन किसका कार्यक्रम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये शिकायत जब हम कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के हरियाणा अध्यक्ष अशोक तंवर के पास लेकर पहुंचे तो जवाब लाजवाब था। यहाँ भी जिसको आना है उसके लिए कांग्रेस भवन है, सबके खुले दरवाजे हैं, सब आए और अपने सहयोग। नोता तो भाई मैं पीले चावल तो किसी के भेजने जाऊंगा नहीं, सबको ये सारे साथी हैं हमारे पार्टी के, ऑफिस से सबको फोन आए हैं और हाँ सबके फोन गए हैं। और मैंने कहा कि जिसके पास सुझाव होंगे वही तो देने आएगा कांग्रेस की मजबूती के लिए, जिसके पास नहीं होंगे नहीं आएगा। मंथन शिविर है, हो सकता है उनको जरूरत महसूस ना हो, सब कुछ सीख लिया होगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब हुड्डा और तंवर के बीच की कलह सतह पर आ गई हो। विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोनों के बीच की खींचतान जग जाहिर थी, उसके बाद भी दोनों के गुटों में खुलकर बयानबाजी होती रही। कई बार दिल्ली से बुलावा आया लेकिन लगता है कि दोनों पर असर कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी भी हालात ढाक के तीन पांच जैसे हैं। ये पूरा मामला कांग्रेस का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन साहब लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका है। अगर विपक्ष अपनों की ही कमियां ढूंढने में व्यस्त रहेगा तो सरकार को आईना कौन दिखाएगा, और अगर सरकार को आईना दिखाने वाला कोई नहीं होगा तो नुकसान किसका होगा? जनता का। तो जनता के हक का सवाल उठाना हमारा काम है और हम सवाल उठा रहे हैं। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। तो आज ही सोनिया गांधी ने कहा कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के भी बॉस हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस का बॉस कौन है, हरियाणा कांग्रेस का राजा कौन है, चलनी किसकी है और 2019 में किसके हाथ में कमान रखेगी, इसको लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं। संजय शर्मा बीजेपी का पक्ष रखेंगे, केवल ढींगरा हमारे साथ हैं और ये हुड्डा खेमे से जाने जाते हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे चर्चा में। साथ ही प्रवीण अत्रिक हमारे साथ, नेलू प्रवक्ता हैं, अनिल आर्य हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में राजेंद्र जादौन हैं। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। ढींगरा साहब, अशोक तंवर हुड्डा की दर पर जो है पीले चावल लेकर नहीं जाएंगे, साफ कहा गया, बोलिए। देखिए ये जो उन्होंने कहा है इसका जवाब तो वही देंगे, पर जो जहां तक बात है कि ये हमारी जो इस बात में जो बात चर्चा में आप कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका हाईकमान को संज्ञान लेना चाहिए इस बारे में। हाँ। कि वो देखेंगे, वो तय करेंगे कि कौन पीले चावल किसको दे। मैं तो क्या बोल सकता हूं क्योंकि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मैं एक एज प्रवक्ता हूं, एज प्रवक्ता आपके बीच में आया हूं और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये हमारी जो हाईकमान है वो इस चीज के बारे में फैसला करती है कि कौन किस तरह से काम करेगा। नहीं, हाईकमान तो तब भी फैसला नहीं कर पाई जब लाठियां डंडे बरसे थे दिल्ली में, बताइए।
नहीं देखिए, जब लाठियां बरसी डंडे बरसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये फैसला जो है वो हाईकमान ही लेती है। अगर कोई डंडे भी बरसेगे तो भी हाईकमान फैसला लेगी, उस बारे में भी हाईकमान देखेगी, उस बारे में भी मैं कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, दो पक्ष है इसमें। हुड्डा साहब कहते हैं कि न्योता ही नहीं मिला, अशोक तंवर कहते हैं कि मैं पीले चावल लेकर नहीं जाऊंगा। आप कहां खड़े हैं? देखिए, मैं तो कांग्रेस का पक्ष रखूंगा। इसमें कांग्रेस का पक्ष ये है कि अगर मान लो दोनों में कोई बात है तो उसको हमारी हाईकमान देखेगी और हाईकमान इसमें फैसला लेगी। जी, हाईकमान जो है हमारी कांग्रेस हाईकमान सर्वप्रिय है, वो इस बारे में फैसला करेगी। मैं तो फैसला करने वाला कौन हूँ? मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ। फैसला करने वाले नहीं है, लेकिन कांग्रेस एक कहाँ है, दो गुटों में बटी। हालांकि गुट कई हैं, लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ अशोक तंवर आते हैं, एक तरफ हुड्डा आते हैं, हरियाणा कांग्रेस कहाँ है? संजय शर्मा जी देखिए आएंगे आपके पास। संजय शर्मा जी बोलिए। मैंने जो सवाल पूछना था वो आपने ही पूछ लिया है। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस वाले एक दूसरे को गालियां दें, एक दूसरे का सिर फोड़े, या वो किसी के बुलाई हुई बैठक में न जाएं, या किसी की शादी हो उसके लिए पीले चावल भेजने का न्योता दे या ना दे, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर एक स्वस्थ राजनीतिक दलों का, एक सशक्त राजनीतिक दल का होना ये अति आवश्यक है। वैसे तो जैसे कल आदरणीय मोदी जी ने भी कहा कि महात्मा गांधी जी ने कह दिया था इस देश को कांग्रेस मुक्त हो जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि लोगों को इस बात की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कांग्रेस मुक्ति से देश या प्रदेश को करें। कांग्रेस खुद ही अपने आप को शायद उस मुक्ति की निजात दिलवा देगी हरियाणा के लोगों को। रही बात जो आपने कही कि कांग्रेस में चलती किसकी है, पहले तो ये कांग्रेस के लोग निर्णय करें कि कांग्रेस में अध्यक्षीय परंपरा कोई है या नहीं। क्योंकि एक राजनीतिक दल अगर वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ही नहीं मानता, और कांग्रेस जिस तरह की बातें करती है कि जी हम तो दलित हितेशी हैं, और वही दलित हितेशी कांग्रेस के अध्यक्ष को उसी की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, अब ये तो FIR हुई है, शायद उनका नाम भी तंवर जी ने लिया, पता नहीं पिछले दिनों उनकी गलवैयां भी आपस में हुई जब यहाँ चंडीगढ़ में पंचकूला में कहीं इनका मंथन शिविर था, तो वो किस तरह से है। लेकिन इन्होंने अपने दलित अध्यक्ष को भी नहीं बख्शा, तो ये तो इनका दलित वैसे पंचायत हो जाती अपना है कांग्रेस की, लेकिन दलित जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो ही उसमें नजर नहीं आते। अत्रे साहब, आप लोग भी विपक्ष में हैं, कांग्रेस भी विपक्ष में है, विपक्ष में होने के नाते जहां सरकार की आलोचना की जाए, सरकार के सामने जनता की समस्याएं रखी जाए, कांग्रेस अपनों में कमियां ढूंढने में लगी है। देखिए ज्योति, आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस विपक्ष में होने के बावजूद विपक्ष का कोई भी कार्य लगभग पिछले 3 साल से नहीं कर पाई, 3.25 साल से। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपने खुद के सिर फुटोवल में व्यस्त हैं कांग्रेस के नेतागण। हालांकि जिस तरह से प्रदेश के अंदर तेल के बिजली के दाम बढ़े, उस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल लगातार प्रदर्शन करती रही और मुख्यमंत्री जी को सदन में मानना पड़ा कि इसके आगे दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वहां पे कांग्रेस नजर नहीं आई थी। और इस तरह से जिस तरह से किसान दान कृत घोटाले में किसान के साथ लूट हो रही थी, उस वक्त भी कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई थी। और सबसे बड़ा कारण यही है कि जो आपस में कांग्रेस की खींचतान है नेताओं की, एक बड़ी वजह है। मुझे एक बात जरूर यहां पर कहनी है, मुझे थोड़ा एक चैनल पर मैं एक फोनों पर था और कांग्रेस के एक प्रवक्ता फोनों पे थे, और वहां पे एंकर ने जिस वक्त ये बात तब की है जब हुड्डा साहब ने अपनी रथ यात्रा की घोषणा की थी, मैं ये बात इसलिए कोट कर रहा हूं कि वो कांग्रेस प्रवक्ता ने उस वक्त उस चैनल पे जिन शब्दों का प्रयोग किया मुझे खुद हैरान कर रहे थे। जब एंकर ने उनसे पूछा कि हुड्डा साहब रथ यात्रा निकाल रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो उनका पहला जो जवाब था वो ये था, कौन सी रथ यात्रा, किसकी रथ यात्रा, कौन हुड्डा साहब, ये रथ यात्रा नहीं विनाश यात्रा है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता के शब्द थे। तो इस तरह के हालात कांग्रेस के अंदरूनी हैं। हालांकि अब आप चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि उनका नाम मैं इस चैनल पे लूं तो मैं ले दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। प्रदीप जैलदार से आपके कांग्रेस पार्टी के, तो मैं आपका नाम भी ले देता हूं, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उस प्रोग्राम की। दूसरी चीज क्या है कि हैरानी इस बात की है कि जिस तरह के हालात कांग्रेस में अंदरूनी, हालांकि संजय जी ने कहा कि ठीक है पार्टी के अपने अंदरूनी हालात है, इसके लिए हमारा कोई इसमें मतलब नहीं बनता क्योंकि पार्टी अपने अंदर नेताओं में किस तरह, लेकिन हैरानी का होती है अंदर का मामला हो सकता है, लेकिन विपक्ष के नाते और लोकतंत्र में एक बड़ी पार्टी होने के नाते भूमिका क्या है? मैं वही कह रहा हूं, देखिए होता क्या है कि जिस वक्त हुड्डा साहब मजदूर किसान पंचायत के नाम से प्रोग्राम करते हैं, अगर आपको याद होगा उस प्रोग्राम्स में क्या होता था, उस प्रोग्राम्स के अंदर सोनिया जी राहुल जी के फोटो नहीं होते थे, और वहां पे केवल एक भाषण होता था कि किसी तरह हुड्डा जी को प्रधान बना दीजिए, ठीक है, केवल इस तरह के चर्चा करते रहेंगे। इनेलो का पक्ष है कि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना चाहिए, जनता की आवाज को बुलंद करना चाहिए, वो भूमिका कांग्रेस अदा नहीं कर पा रही है। लेकिन नेतृत्व को लेकर हुड्डा साहब क्या कहते हैं, एक बार सुने। जैसा कि अब ग्रोथिज्म की बात आ गई है, इसका सुभाष बत्रा ने कहा कि जो आने वाला जो चुनाव होगा उसमें अशोक तंवर जी के मतलब अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। मैं सुभाष बत्रा जी कि अभी दोनों पैर कांग्रेस में आ गए कि नहीं आ गए, ये पता नहीं।
चलिए कांग्रेस से ही इस पर कमेंट हम लेंगे। ढिंगरा साहब, सुभाष बत्रा के भी दोनों पैर कांग्रेस में हैं या फिर नहीं? अभी आपने प्रवक्ता का नाम पूछा कि वो कौन है जो कहते हैं कि हुड्डा साहब कौन है। अभी हुड्डा साहब को आपने सुना, सुभाष बत्रा को ये कह रहे हैं, पहले वो सुनिश्चित कर लें कि उनके दोनों पैर कांग्रेस में हैं या फिर नहीं, जल्दी बोले। नहीं देखिए, एक बात तो ये है कि जो जो भी अभी संजय शर्मा जी ने कहा, कांग्रेस मुक्त तो ये कर नहीं सकते। आपको ये बता दूं, राजस्थान में अभी दो लोकसभा में आपने बीजेपी प्रवक्ता भी बुलाए, नेलो प्रवक्ता भी बुलाए, तो वो जो सवाल करेंगे उनका जवाब तो देना पड़ेगा ना। बाकी मैं उस पर भी आ जाता हूँ, वो भी बात करते हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस मुक्त, इनको राजस्थान चुनाव ने बता दिया ये बात, चलो इतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलता। पर जहां तक INLD अभी बात कर रहे थे, ये कहते हैं कि प्रदीप जालदार जी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ऐसी बात, सुभाष बत्रा की बात कीजिए। मैं सुभाष बत्रा को ये कहना पड़ जाता है कि सुभाष बत्रा अगर तंवर साहब की कहें कि पक्षधर उनके बन जाती है, उनके समर्थन में बात करती है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि सुभाष बत्रा खुद ये सुनिश्चित करें कि उनके दोनों पैर कांग्रेस में है या फिर नहीं, इस पर कमेंट कीजिए। ज्योति, वो बात ठीक है, आप मेरे को इनके ऊपर भी बोल लेने दीजिए, क्योंकि आपने इनको भी बुलाया, तो मेरे को ये भी तो बात बोल लेने दीजिए। जवाब ये है इसमें, देखिए जो हुड्डा साहब बात कह रहे हैं कि वो उसमें नहीं है, वो हुड्डा साहब ने बात अपनी कह दी। अब इसके बारे में मेरे को इससे ऊपर कहने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि मैं इनसे छोटा गाड़े करता हूँ। मैंने आपको पहले भी ये बात कही कि ये बात तो हाईकमान तय करेगी। अनिल आर्य जी, एक चीज तो साल तक सीएम रहे, एक कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, उनको ये कहना पड़ जाता है किसी भी नेता के लिए कि वो कौन हैं, वो खुद तय करें कि वो कांग्रेस में हैं या फिर नहीं, क्या स्थिति है कांग्रेस के? ज्योति देखिए, अगर मैं हरियाणा की सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं उनकी बात करूं, तो उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो पॉकेट है वो फिलहाल सबसे बड़ी है। हालांकि उनसे ज्यादा फॉलोइंग ओम प्रकाश चौटाला जी की है, लेकिन वो फिलहाल सक्रिय राजनीति में नहीं है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात को इतना लाइटली तो नहीं लिया जा सकता जितना और हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसके बहुत सारे मायने हैं। मैं ठीक याद करता हूं 2003 और 2004 का समय, जब चौधरी भजन लाल जी के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा अच्छा प्रचार करते थे और इनकी फॉलोइंग जो है खासकर पुराने रोहतक के एरिया में बढ़ती जा रही थी। इस बात से कभी भी भजन लाल जी निराश नहीं होते थे। मैं पर्सनली उनसे मिला हुआ था, वो बड़े खुश होते थे। उनको उनकी सोच ये थी कि जितने भी आदमी जुड़ेंगे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा की समस्या जो है वो अशोक तंवर नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा की समस्या ये है कि हरियाणा का जो वोटिंग पैटर्न रहा है अभी तक वो तीन कास्टों पर बेस्ड रहता है, मल्टी कुछ इलाकों को छोड़कर। उसमें जाट है, एक दलित आती है जाति, और एक जो है ब्राह्मण है। तो तीनों की तीनों का वोटिंग प्रतिशत ज्यादा है, तीनों के तीनों का वोट प्रतिशत ज्यादा है। तो चौधरी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो जब से मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने दलित को ही चाहे कार्यवाहक रखा है, एक अध्यक्ष रखा है, और अशोक तंवर को अध्यक्ष बनवाने में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। उन्होंने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उनको अध्यक्ष बनाया था। अशोक तंवर जी अच्छे परिणाम नहीं दे पाए हैं, अच्छी फॉलोइंग नहीं जुड़ पाई उनके साथ, कम से कम। लेकिन अब जब ये अब जब रिपीट इन्होंने किया है, हालांकि रिपीट नहीं हुए हैं प्रॉपर वो, लेकिन अब आपके बाद से उनकी अशोक तंवर जी की फॉलोइंग बढ़ी है। और इस बात से जो है मैं एक बात और क्लियर यहां कर देना चाहता हूं, जो मेरी नजर में है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। वो किसी आदमी को जो उनका अपना आदमी हो उसको अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं। ठीक है, अत्रे साहब आएंगे आपके पास, उससे पहले जादून साहब को चर्चा में जोड़ लें। जादून साहब, जो स्थिति जिस तरह की नजर आ रही है, क्या वही है कि वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है हरियाणा कांग्रेस में? देखिए, ये वर्चस्व की लड़ाई है साफ साफ ही, और पार्टियों में मतभेद तो होते रहते हैं, लेकिन यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि मतभेद के अलावा मनभेद भी है। बिल्कुल, और हाईकमान इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा। मैंने देखा है कि कमलनाथ जी को प्रभारी बनाया गया हरियाणा कांग्रेस का, वो एक दो बार मीटिंग करके आए और चले गए। अगर वो चाहते तो कुछ पैचअप इनका करवा सकते थे आपस में तो, लेकिन अब ये दो धाराएं बन गई हैं, एक दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, उससे कांग्रेस की स्थिति स्वाभाविक है कि कुछ अटपटी और अजीब स्थिति हो जाती है। मतदाताओं के बीच में भी अच्छा संदेश नहीं जाता है, तो ये हाईकमान की भी अपनी भूमिका है। हाईकमान चाहता तो दोनों के बीच में एक समन्वय का काम कर सकता था, उनको दोनों को जोड़ने का एक ब्रिज बनाने का काम कर सकता था। ठीक है, तो ये स्थिति है। आप कमेंट कीजिए, उसके बाद इंद्र साहब आपसे हाईकमान की भूमिका क्या है इसका जवाब लेंगे। देखिए, दो बातें अनिल जी ने जो कही है, पहली बात तो उन्होंने ये बात कही कि अशोक तंवर को प्रधान बनवाने में हुड्डा साहब का हाथ था,
तो बड़ी हैरानी होती है कि अगर अशोक तंवर परफॉर्म नहीं कर पाए तो हुड्डा साहब ने उनकी पिटाई करवा दी। ये देखिए कैसा चरित्र है। दूसरी उन्होंने बात की कि हुड्डा साहब की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। गलत, मैं हैरान हूं। खैर हो सकता है अनिल जी का अपना कोई विश्लेषण हो, मुझे नहीं पता किस तरह का विश्लेषण है। एक राष्ट्रीय पार्टी के अंदर काम करते हुए जिसको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर देती है, उसके बावजूद वो 14-15 सीट जीत पाते हैं, और जबकि वो राष्ट्रीय पार्टी है जिसका एक अपना वोट बैंक होता है। मुझे हैरानी होती है कि वो सबसे ज्यादा वोट बैंक की सबसे ज्यादा फॉलोवर कैसे हो गए उनका। हैरानी इस बात पे होती है अनिल जी, हो सकता है आपका अपना विश्लेषण हो, लेकिन हुड्डा साहब जो है रोहतक, अगर हम बात करें एक लाइन में, जो मैं सुनिए सुनिए, अगर ऐसा होता तो हरियाणा के अंदर इस तरह के हालात ना होते, और हरियाणा पूरे के अंदर अगर आप जाके देखें तो हुड्डा साहब की कहीं कोई फॉलोवरशिप नहीं है। आपका विश्लेषण पता नहीं किस तरह का हो सकता है। आपका विश्लेषण ऐसा हो जी, आप बताइए, आप बताइए, आप चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद, कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक होने के बावजूद, हुड्डा साहब की बैंक में हुड्डा साहब की है, बस अरे जी जरा होती है, आप फॉलोवरशिप क्या होती है जब आप हरियाणा के अंदर परफॉर्म करो, आप एक पॉकेट के अंदर अगर परफॉर्म करो, गलत बात, देखिए आप एक पॉकेट, देखिए देखिए 2014 के चुनाव की बात मैं करूंगा, 2014 के इलेक्शन में ज्योति जी, अगर 2014 के इलेक्शन में अगर कोई आदमी अचीवर थे तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ठीक दो दिन पहले तक इनेलो की सरकार बनने जा रही थी, मतलब एबीसी ऑप्शन ये थे कि या तो इनेलो की सरकार बनेगी, या बी ऑप्शन ये था या इनेलो और बीजेपी की मिलकर सरकार बनेगी। दो दिन में तीसरा ऑप्शन कोई मौजूद नहीं था, कांग्रेस हार रही थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक तय किया कि मुझे किसी भी कीमत पर इनेलो की सरकार नहीं बनने देनी है। और जो आदमी खुद को एक पॉकेट तक सीमित करके बैठ जाए उसको आप पूरे हरियाणा के अंदर नेता बता रहे हो, आप खुद जानते हो, खुद मानते हो। हुड्डा साहब एक पॉकेट से बाहर नहीं है, पॉकेट से बाहर पॉकेट से बाहर फॉलोवरशिप कहां से आ गई, पूरे हरियाणा का, पूरे हरियाणा की पार्टी है, आप कहां से आ गई, आप चाहेंगे कि हम विषय से भटके, लेकिन हम नहीं भटकेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुड्डा साहब का कद कांग्रेस ने कितना माना, पदाधिकार भी किसी तरह का नहीं दिया गया है, पदाधिकारी चुना जाना भी जरूरी नहीं समझते हुड्डा साहब को। देखिए एक तो बात मैं बता दूं, यहाँ जो बहस हो रही है ना उसमें मैं आपको ये बताऊं, हुड्डा 36 बिरादरी के नेता हैं और वो उन्होंने 10 साल मुख्यमंत्री किया है काम और हरियाणा को ऊंचाइयों तक लेके गए हैं। दूसरी बात देखिए कांग्रेस मान रही है, कांग्रेस के वो बड़े नेता हैं। आपको बताऊं अभी हुड्डा साहब के साथ विधायक है, उनके पास पद है, कोई कांग्रेस ने दिया उनको कोई पद? देखिए इस समय जो अभी काम चल रहा है, अभी हम रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं और सारे 90 के 90 हलकों में हुड्डा साहब की रथ यात्रा जाएगी, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये परीक्षा होगी हुड्डा साहब की। सीधा सा सवाल ये है, विधायक उनके साथ आते हैं, 10 साल सीएम वो रहे, बड़े नेता आपकी पार्टी के माने जाते हैं, क्या पद दिया गया उनकी पार्टी, आपकी पार्टी ने समझा उनको? देखिए वो समझेंगे ना, अभी आप चर्चा कर रहे हैं तो वो समझेंगे, इस बात समय लगेगा, जरूर हाईकमान इस बारे में फैसला लेगी। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि हाईकमान इस बारे में फैसला लेगी, मैं नहीं होता कुछ भी, हाईकमान फैसला लेगी, हाईकमान फैसला लेगी, उसके लिए रथ यात्राएं निकाली जा रही है। अशोक तंवर जो रथ यात्रा बीजेपी की कुरीति में होगा, रथ यात्रा हुड्डा साहब निकालेंगे, ये हाईकमान को समझाने के लिए, ये हाईकमान को समझाने के लिए 3 साल में काम किए हैं, उसके लिए रथ यात्रा निकली जी। हरियाणा का ये दुर्भाग्य रहा है कि दो दल जो हरियाणा में अभी, एक मुख्य विपक्षी दल है, एक विपक्षी दल है, एक उससे छोटा दल है, इन दोनों की जो राजनीति हरियाणा में रही है वो जातिवाद या क्षेत्रवाद में रही है। कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में काम करता रहा, दूसरा व्यक्ति किसी, तीसरी अगर कोई राजनीति इनकी रही है तो परिवारवाद की राजनीति रही है। अभी भी आप देखोगे कि कोई पार्टी को मजबूत करने के लिए काम नहीं करता, केवल अपने आप को मजबूत करने के लिए, यानी कि दल के अंदर मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, इसके लिए कोई रथ यात्रा निकाल रहा है, कोई साइकिल यात्रा निकाल रहा है, हरियाणा के लोगों की 3.5 साल का काम किया उसके ऊपर क्या निकल रही है, कारण जो लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, जो 4 बार हरियाणा में आया आपने, जो हरियाणा में जो लोग भाई उसके बारे में जा रहे हैं, साथ ही चले जाइए ना, रथ पे बैठ के चले जाइए, साइकिल पर बैठ के चले जाइए, अगर सरकार के खिलाफ भी जा रहे हैं साथ जाइए ना, जो है जो इन्होंने 100 आदमी गोली मारे उसके उसकी बारे में बता रहा हूं जी, असम की जो दुर्दशा है उसके बारे में बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3.5 साल में इतने काम किए हैं विकास के,
और पूरे हरियाणा को एक समान विकास हमने किया है, जाति से ऊपर उठकर, परिवारवाद से ऊपर उठकर विकास का शासन दिया। कोई मुद्दे नहीं रहेगा। केवल ढिंगरा जी, अगर आपसे पूछा जाए, एक तरफ साइकिल यात्रा, दूसरी तरफ रथ यात्रा, हुड्डा साहब बड़े हैं या फिर तंवर साहब? देखिए, विकास का वी तो है नहीं कहीं भी, ये तो विकास के वी की बात कर रहे हैं, मेरे को तो विकास का वी भी नहीं दिख रहा। विकास पर कैसे आ गए? मैंने सवाल किया साइकिल यात्रा और रथ यात्रा को लेकर, हुड्डा साहब को लेकर। साइकिल यात्रा जो निकल रही है वो भी जो बीजेपी ने 3.5 साल में काम किए उसी में निकल रही है, जो रथ यात्रा निकल रही है वो भी जो बीजेपी ने 3.5 साल में जो 100 आदमी पुलिस की गोली से मरे। हम बीजेपी की आज बात नहीं करेंगे, केवल ढिंगरा जी दुखी हुआ, केवल ढिंगरा जी हम सबसे ज्यादा बड़ी बात में बीजेपी की चर्चा करते हैं, क्योंकि वो सरकार में है इसलिए चर्चा करते हैं, लेकिन आप लोग विपक्ष में लेकिन लड़ाई है, रथ यात्रा निकाल रहे हैं। आप बताइए, तंवर साहब बड़े हैं, हुड्डा साहब बड़े हैं? देखिए दोनों ही बड़े हैं, दोनों ही बड़े हैं। मैं आपको ये बताऊं, वो हमारे पार्टी के प्रधान है और वो 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने हरियाणा को ऊपर लेके जाने में बहुत काम किए हैं। आपको ये बताना चाहूंगा, हमारा जो बजट था वो 2300 करोड़ था, उसको 150 गुना बढ़ाने का काम किया। 14 विधायक जो उनके साथ आते हैं, हुड्डा साहब क्यों नहीं कहते कि तंवर साहब के साथ जाइए? क्यों, हुड्डा साहब के साथ जो रहना चाहता है वो हुड्डा साहब के साथ है। हाँ। अब उसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि कौन हुड्डा साहब के साथ ये रहेगा? कमाल है, ये कमाल है। एक हुड्डा कांग्रेस है, एक तंवर कांग्रेस है, एक हुड्डा कांग्रेस है, एक तंवर कांग्रेस है, हरियाणा कांग्रेस नहीं है, हरियाणा कांग्रेस नहीं है। अमरजीत कौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है, तंवर गुट से ये मानी जाती है। स्वागत है आपका चर्चा में। आपने सुना होगा जो मंथन शिविर किया गया हिसार में, उसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं मुझे आमंत्रण नहीं दिया गया, निमंत्रित नहीं किया गया। उसको लेकर अशोक तंवर ने कहा कि मैं पीले चावल लेकर किसी के दर पर नहीं जाऊंगा। कमेंट कीजिए। ज्योति, ऐसा है, पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है वो हमारी माँ है, और एक माँ के अगर 2, 4, 5, 10 पुत्र हैं और वो प्रदेश में अपना अपना काम कर रहे हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्या है? डॉक्टर, भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा, हरियाणा की आवाम के लिए सवाल पूछा। आप ही बताइए, आप ही बताइए, जो जिस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है। अमरदीप कौर जी सुनिए, अशोक तंवर जी प्रदेश, अगर कांग्रेस माँ है, आप सब बेटे हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, तो बड़ा बेटा कौन है इनमें? जो वर्चस्व की लड़ाई है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका उनकी एक अपनी भूमिका है, डॉक्टर अशोक तंवर जी की अपनी भूमिका है। इस वक्त वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उनकी जिम्मेवारी बनती है पूरे प्रदेश को। वो एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आमंत्रित नहीं करेंगे, प्रदेशाध्यक्ष हैं फिर 10 साल तक सीएम रहे उनको। वो कहीं भी ये बात गलत भी नहीं कह रहे हैं अध्यक्ष जी की, वो जाकर के अब न्योता देने तो जाएंगे नहीं। अब जो लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग स्वयं पहुंचे ना पार्टी के अंदर, स्वयं काम करें, स्वयं से उठ करके खुद से हुड्डा साहब को आना चाहिए था। केवल ढिंगरा जी पहुंचते ना फिर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद से आते। अशोक तंवर का कद इतना बड़ा है, वो किसी के दर पर नहीं जाएंगे, भले ही आप 10 साल तक सीएम रहे हो। केवल ढिंगरा जी बताइए, खुद से आते ना, पार्टी का प्रोग्राम था, पार्टी का कार्यक्रम था, खुद से आते। सुनिए, आप सुनिए, आपकी ही पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ है कि वो बीजेपी के वक्ताओं के कहने से किसी के घर जाएंगे। बीजेपी के वक्ता इतना बोल रहे हैं तो सुभाष, बीजेपी का कौन वक्ता बोल रहा है मैडम, सुनिए तो एक बार के लिए। के सुभाष बराला जी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम अगला, केवल ढिंगरा जी बोलिए, प्रदेशाध्यक्ष आपकी पार्टी के किसी के दर पर नहीं जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुद आना चाहिए था, फोन किया गया, मैसेज किया गया, उसके बावजूद भी नहीं आते। क्या अशोक तंवर के बढ़ते कद से परेशान है भूपेंद्र सिंह हुड्डा? नहीं नहीं, हुड्डा साहब जो है वो बार एसोसिएशन की मीटिंग में गए थे, वो मीटिंग तय थी पहले, वो उस मीटिंग को लेंगे। अब वो अपना मंथन शिविर कर रहे हैं, जानकारी नहीं। सुनिए एक बार के लिए, हुड्डा कहते हैं जानकारी नहीं, तंवर कहते हैं आमंत्रित किया गया था, झूठ कौन बोल रहा है? क्योंकि कोई झूठ नहीं बोल रहा, एक इंसान है जो झूठ बोल रहा है, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि झूठ बोलते ही नहीं है, झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो न्योता दिया गया था या फिर नहीं दिया गया था, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा झूठ बोल रहे हैं या अशोक तंवर झूठ बोल रहे हैं? दिया गया न्योता, दिया गया था, न्योता सबके पास था। हाँ, न्योता सबके पास था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि अध्यक्ष जी किसी से अलग चल रहे हैं या अध्यक्ष, केवल ढिंगरा जी पूर्ण तरीके से वो बार एसोसिएशन दिया गया था नहीं है। अरे जनाब, बार एसोसिएशन की मीटिंग में उनका तय प्रोग्राम था,
ज्योति जी बार एसोसिएशन की मीटिंग थी उनकी, उनमें तय प्रोग्राम कहा, था। मुझे वो जानकारी नहीं थी, कम से कम हुड्डा साहब ने जो कहा उसे डिफेंड कीजिए। आपके नेता ने, आपके नेता ने जो कहा उसे डिफेंड कीजिए ना, उसे डिफेंड कीजिए। आप अपनी राय दे रहे हैं। ज्योति जी नेता क्या, नेता हमारे दोनों नेता है, कौन सा हम नेता नहीं मान रहे। मैं तो कह रहा हूँ वो बार एसोसिएशन की, वो बार एसोसिएशन की मीटिंग में थे, वो हुड्डा साहब मीटिंग ले रहे थे, और जो तंवर साहब है वो अपने कार्यक्रम में होंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, कहा मुझे कार्यक्रम की जानकारी नहीं, दर्शकों को सब कुछ समझ में आता है, दर्शकों को बरगलाइए तो समझ में आ रहा है। जो जो ज्योति जी आप बात करना चाहते हैं वो हमारी हाईकमान तय करेगी इस मामले को। पार्टी के अगर बड़े नेता अपना अपना काम कर रहे हैं तो इसमें विचार विमर्श का इतना मंथन क्यों किया जा रहा है कि अगर चार बेटे हैं पार्टी के तो चारों अपना अपना काम कर रहे हैं। आप अलग ही ट्रैक पे जा रहे हैं मैडम, आप अलग ही ट्रैक पे जा रहे हैं। बात कहाँ दिख रही है आपको? आज हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। एक 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 सवाल मैं पूछूं ढीकरा जी से, चलिए कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले संजय शर्मा जी सवाल कीजिएगा, उत्तर भी लेंगे। कुछ दिन पहले की तस्वीरें हम कांग्रेस के भीतर की दिखा दें आप लोगों को। तो अक्टूबर का ये पूरा मामला रहा, इसे ना हरियाणा भूला है ना पूरे देश की राजनीति भूली है। अपनी तरह का पहला मामला रहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक तंवर के जो समर्थक हैं, उन लाठी डंडों से पिटाई की गई जो कि झंडों के लिए लाए गए थे, डंडे निकाले जाते हैं। अरे अरे सर, पुलिस स्टेशन में मामला चला जाता है, आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं एफआईआर हो जाती है, मीडिया में मामला आ जाता है, उसके बाद शिंदे कमेटी गठित हो जाती है। अशोक तंवर कहते हैं मुझे इंसाफ नहीं मिला, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्लीन चिट मिलती है। नहीं, केवल ढिंगरा कुछ अलग बोलते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ कहते हैं। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, अलग थोड़ी कह रहे हैं, वो तो वही कह रहे हैं। ज्योति, दो चीजें हैं इसमें, अगर संगठन की देखिए, संगठन की दृष्टि से देखिए ज्योति, इसमें क्या है कि संगठन की दृष्टि से अगर बात करें तो संगठन के अंदर जो प्रधान होता है वो बड़ा होता है, इसमें कतई कोई इनकार नहीं करेगा। और जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सवाल है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी केवल एक विधायक है, संगठन में उनके पास किसी तरह का कोई पद नहीं। तो सीधी बात यह है कि अशोक तंवर ऐसे नहीं कह सकते हैं संगठन में, देखो संगठन में प्रधान बना होता है, आप ऐसे बताइए संगठन में प्रधान बना होता है, संगठन चलता ही अध्यक्ष से, आप बताइए तो आप उनको बड़ा नेता नहीं मानते क्या? उनको आप उनको भाई, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो आप उनको अपना बालाजी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूछ रहा हूं। और हुड्डा साहब केवल एक विधायक की सलाह ही दे रहे हैं, वो राज्य की सलाह है। अजय चौटाला जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप बताइए मेरे को, महासचिव में तो वो नेता है ना, नेचुरली हुड्डा साहब के पास संगठन का क्या, मुख्यमंत्री है हुड्डा साहब के पास संगठन नहीं है क्या, ये पद हो गया आपके पास, क्या दूर है मुख्यमंत्री पद हो गया क्या, आपको संगठन की पार्टी का पद है, अरे केवल नेता जी ये बताइए ना, ये संगठन का पद है, पूरी क्या है हरियाणा कांग्रेस का बोस कौन है, शायद इसी को तय करने के लिए, शायद इसी का संदेश हाईकमान तक पहुंचाने के लिए रथ यात्रा निकाली जा रही है, निकाली जाएगी, साथ ही साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। तो साइकिल और रथ को चुना गया, अशोक तंवर ने साइकिल के फायदे सुनाए हैं और क्यों जरूरी हो जाता है साइकिल पर आना, ये बताया है, वो सुने। इसने प्रदेश का स्वास्थ्य ठीक करना है, अपना करना है, लोगों के साथ जाकर के करेक्ट करना है अपने आप को, तो साइकिल से बेहतर कोई विकल्प नहीं। देखो हमने तो सबको आमंत्रित कर रखा है, कोई साइकिल चलाए, कोई जहाज में जाए, कोई वैसे जैसी जिसकी मर्जी है, लेकिन ये जो साइकिल है वो गली गली, गांव गांव, हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगी, मैं खुद इसमें जाऊंगा। तो अशोक तंवर को सुनवाया, एक बार पहले भी अशोक तंवर को हमने आपको सुनवाया था, जिसमें वो कहते नजर आए कि साइकिल का हैंडल मेरे हाथ में ही रहेगा, पीछे जो चाहे बैठ सकता है, चूंकि मैं नौजवान हूं तो मैं साइकिल जो हूं चलाऊंगा। तो इसे प्रतीकात्मक तौर पर माना जा सकता है कि चूंकि मैं नौजवान हूं, हरियाणा कांग्रेस की कमान मेरे पास रहेगी। राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते हैं अशोक तंवर, एक बार अगले आदेश आने तक उनको प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी, चूंकि सभी राज्यों में कांग्रेस का यह फैसला रहा तो हरियाणा में भी लागू रहेगा, हरियाणा में भी जारी रहेगा, जो कि इनके लिए राहत की बात मानी जा सकती है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, संजय शर्मा जी को सवाल करना है कांग्रेस से। ज्योति जी, अभी कुछ चर्चाएं हो रही थी और मेरे काबिल मित्र आदरणीय ढींगरा जी सारी बात हाईकमांड के ऊपर डाल देते हैं कि हाईकमांड जो तय करेगा जी वो ठीक है, हाईकमांड तय करेगा, लेकिन हाईकमांड है कौन, संगठन चलता किससे है,
मुझे लगता है कोई ना कोई तो कमांडर होता है, और मुझे लगता है जहां तक मेरी समझ है जिस पार्टी में मैं काम करता हूं, हमारे यहां संगठन में अध्यक्षीय परंपरा है। सोनिया गांधी जी ने कहा कि राहुल गांधी ही मेरे बॉस। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे इनके इनके कल्चर का वैसे जो बाहर से देखता हूँ अलग है, लेकिन अंदर का तो यही बता सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने कल्चर का पता है। मुझे ये पता है कि हमारे यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली है, और हम अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, ए बी सी डी कोई भी हो, व्यक्ति नहीं है वो, अध्यक्ष और अध्यक्ष की कुर्सी के हिसाब से या उसके पद के हिसाब से पार्टी काम करती है। अभी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपना माननीय ढींगरा जी से कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता है या हुड्डा साहब के प्रवक्ता है, क्योंकि प्रवक्ता तो किसी पार्टी का ही हो सकता है। इनको शुरुआत में परेशानी नहीं थी शर्मा जी, जब मैंने कहा कि ये हुड्डा खेमे से आते हैं, बताइए ढींगरा जी। देखिए, मैं संजय जी से ये पूछना चाहता हूँ, ये हमारी तो पूरी किताब खोल के देखना चाहते हैं। अपना ज्ञान वर्धन करना चाहता हूँ। वो तो बता दिया इन्होंने। अच्छा, इन्होंने बता दिया, पर मैं ये आपने भी बता दिया हुड्डा खेमे से। एक मिनट, मैं दर्शकों को साफ लेकिन जहाँ तक आप मुझे किसी गुट का लगा ले, पर मैं हूँ तो कांग्रेस का, और मैं कांग्रेस का ही रहूंगा। संजय शर्मा जी आए हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, ये प्रवक्ता बराला साहब के है या ये खट्टर साहब के है? अब ये तो मकसद तो यही बता पाएंगे कि ये बराला जी के प्रवक्ता है या खट्टर साहब के है या बीजेपी के है। ये भी सवाल हो सकता है। मैं ये पूछना, अरे क्या अलग अलग कहानी है? जाट नेता जाट मंत्री अलग होता है, आपके जाट मंत्री अलग काम करते हैं, नॉन जाट मंत्री अलग काम करते हैं, 18 विधायक अलग काम करते हैं। तो मैं आपको ये बात पूछूंगा, क्या कभी ऐसा हुआ कि राज्य बैठक बुलाए, विधायक ना पहुंचे, पूर्व सांसद ना पहुंचे, पूर्व मंत्री ना पहुंचे, ऐसा हुआ कभी? हमारी एक बैठक आप बता दीजिए। आप कम से कम आज इस विषय पर इस तरह से तुलना ना कीजिए, इस तरह से तुलना ना कीजिए। मैं बताता हूं, इनके 18 विधायक अलग अलग बात पे ये कहते हुए देखे पाए गए कि मुख्यमंत्री जो है, एक मिनट सुन तो लीजिए ना, पूरी बात सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। 18 MLA इनके मुखर होके अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते रहे कि हमारे नहीं, बीजेपी के सुधारक मंडल पे भी कभी बात करेंगे, आज नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है। आपने मुख्यमंत्री के अगेंस्ट जो बात बोली, ये भी तो बात करने की लड़ाई, और मंत्री जो है वो पार्टी के 18 विधायक या जितने भी कह रहे हैं, नहीं तुलना नहीं हो सकती, तुलना नहीं हो सकती। केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, उसके साथ तो संदर्भ है। मैं बताता हूँ, 18 विधायक पहले भी हमने की, जब 15 विधायक आपके आपके क्या बोलता है तवर, ये दोनों सुन तो लीजिए, नेता को नेता ही नहीं मानता। अरे हमारे विधायकों ने कभी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को ये तो नहीं कहा कि हमारे नेता नहीं है? आपने जो सवाल पूछा उसका कोई जवाब आ ही नहीं सकता, क्योंकि बेबुनियादी सवाल है। आप कांग्रेस को लेकर चर्चा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है आपसे, कांग्रेस पे रखिए। वो सारे MP का इनको मान रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं कि सरकार जो है खट्टर सरकार चंडीगढ़ में चलती है, और हम गुड़गांव में रहते हैं, हमारी कोई मानता नहीं। अमरदीप जी, आवाज नहीं पा रही आपको, सुनिए आपकी पार्टी की नेता की आवाज सुन लेंगे। अमरदीप कौर जी, सुन पा रही मुझे आप? अमरदीप कौर जी, ज्योति, आपने अशोक तंवर को सुना जिनकी ओर से कहा गया कि अच्छा स्वास्थ्य अगर रखना है तो साइकिल बनाना पड़ेगा? बोलिए। सुन लिया, बात बताएं कि संजय शर्मा जी हमारी पार्टी की जो किताब खोलने पे लगे हुए हैं, ये अपनी पार्टी को क्यों नहीं संभालते? अपने विकास के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? आप बीजेपी को जवाब मत दीजिए, आप हरियाणा की आवाम को जवाब दीजिए, बीजेपी को जवाब मत दीजिए, हरियाणा की जनता को जवाब दीजिए, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जवाब दीजिए, बीजेपी को जवाब मत दीजिएगा, बताइए। मेरी बात सुनिए, केवल जी ने आपसे एक बात स्पष्ट कर दी कि एक हमारे जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस वक्त जो पार्टी के पिता है वो है डॉक्टर अशोक तंवर जी, पिता है वो। थोड़ी देर पहले आपने बेटे बताया था मैडम, जो पार्टी का प्रधान होता पार्टी है, माँ है, बाकी सब बेटे हैं, अब अशोक तंवर पिता हो गए। वो उस वक्त अपने पिता का स्वरूप होता है, वो इस वक्त पार्टी का जो किरदार है वो निभा रहा है, जनता के बीच में हमें लेकर के चल रहा है। प्रवीण जी, कमाल करती है अमरदीप कौर जी, आप कमाल करती हैं। आप मुझे इस बात का फैसला हाईकमान पे छोड़िए ना, इस बात का नहीं कर दिया ना फैसला, आपने कांग्रेस को कहा बताया? बाकी सारे नेता नहीं, अमरदीप कौर जी क्या कर सकते हैं? अमरदीप कौर जी ने किया अभी फैसला, आपने सुना अभी, अशोक तंवर पिता है हरियाणा कांग्रेस के, आपने सुना अभी, ज्योति जी आपने सुना अभी,
ज्योति जी हो चुका है, प्रवक्ता मैडम के हिसाब से अशोक तंवर जी पिता है, जैसे प्रवक्ता मैडम ने बोला, ठीक है जी। और आप भी जानते हैं, आप भी कांग्रेसी हैं, हुड्डा साहब भी कांग्रेसी हैं, है या नहीं? तो हुड्डा साहब का और तंवर का रिश्ता क्या बना? तो फिर आप उनको अपना, वो तो पिता बता रहे हैं उसको, सभी कांग्रेसी हैं, पिता बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं उसका हमारा फैसला है। तो हुड्डा साहब का और जो आप यहाँ पे का सम्मान तो किस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कौर जी के हिसाब से इस बात का फैसला हमारी करनी पड़ेगी। नहीं, हाईकमान फैसला करने पर होती तो उस दिन हो जाता, जब 6 अक्टूबर को लाठी डंडे चले थे, शिंदे कमेटी गठित की जाती है। ये आप इससे पूरी स्थिति क्या होगी, इससे पूरी स्थिति आप लोगों के लिए क्या होगी? आपके जिनको आपने पिता बताया, आप हमारे पिताजी की पर एफआईआर करवाते हैं, उनके समर्थकों पर एफआईआर करवाते हैं। आपकी हाईकमान ने क्या किया, आपके हाईकमान ने क्या किया? आपके आप पार्टी प्रवक्ता हैं सर, राहुल गांधी नहीं आएंगे पैनल पर, आप हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बताइए। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूं कि हमारे बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली में बैठते हैं, वो एआईसीसी में है, तो वही फैसला करेंगे। मैंने एक सवाल किया, क्या है ये प्रवक्ता पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, प्रवक्ता प्रदेश के संगठन को रिप्रेजेंट करता है। मैं कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, पूछ रहा हूँ प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, अब संगठन की बात तो हमारी है। तंवर को अपना नेता मानते हैं? अरे वो पिताजी बता रहे हैं, संजय जी क्या कर रहे हो, ये तंवर जी के प्रवक्ता प्रदेश अध्यक्ष हैं क्या, उनको उनको मानते हैं कि नहीं मानते? मैडम की बात सुनी नहीं, उन्होंने पिता बताया है कि तंवर जी पिता है। सवाल ये है, क्या कांग्रेस हाईकमान फैसला लेना नहीं चाहती या किसी तरह की मजबूरियां? देखिए ज्योति जी, जो राष्ट्रीय पार्टियां होती है वो इस तरह का माहौल तैयार करके रखती हैं कि अगर कोई भी जो अशोक तंवर जी से नाराज है वो भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है, है आपके में नहीं, भी नहीं, इस तरह का कोई माहौल तैयार नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। कैप्टन जी बताइए कौन सा गुट है, कैप्टन अभिमन्यु जी? नहीं, कोई गुट नहीं, हमारी पार्टी में कोई गुट नहीं, कोई अलग नहीं है, हर जगह गुट अध्यक्ष के हिसाब से चले। अनिल विज जी, अनिल विज जी मुख्यमंत्री अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, अभी अभी सुबह हुआ है, अनिल विज जी मंत्री बने हैं, वो भी राहुल गांधी बताया, राहुल गांधी अनिल जी गलत बात मत को, राहुल गांधी कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहती क्या? अगर अध्यक्ष के नेतृत्व में काम कर, अगर बीजेपी कोई अपना नियुक्त किया था, अभी प्रियंका चोपड़ा का, उन्होंने स्पष्ट विरोध किया था अनिल विज जी ने, हर मामले में पार्टी का विरोध, इसका मतलब पार्टी का विरोध नहीं किया। अरे भैया, पार्टी का विरोध किया, पार्टी का विरोध हो चुका, आपके निर्णय में एक उन्होंने राय दी, भारतीय विरोध पूरी पार्टी मानती है, मिलता है आप लोगों को विपक्ष पर बोलने का, आज बोलिएगा, आज विपक्ष पर बोलने का मौका है, कांग्रेस पर बोलने का मौका है, क्या राहुल गांधी की मजबूरियां हैं किसी तरह की? मेरे से सवाल जी आपसे, राहुल गांधी की, देखिए ज्योति जी मैं यही बता रहा था आपको, जो राष्ट्रीय पार्टियां होती है वो कई, तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं है क्या? कांग्रेस को हो ना, राष्ट्रीय पार्टी है मत कहो, सारी राष्ट्रीय पार्टियां नहीं, नहीं, जब चुनाव होता है बीजेपी गुटों में नहीं चलती, बीजेपी गुटों में नहीं चलती भैया, हम गुटों में नहीं चलते, मुख्यमंत्री किसको कहते हैं? दोनों बातों का अंतर है, संगठन के नेतृत्व को ना मानना वो गुट कह सकते हैं, संगठन के नेतृत्व को मान के काम करते हैं युवा रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जो युवा है वो अशोक तंवर जी के साथ जुड़ जाए, जो पुराने नेता है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़ जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के कद्दावर नेता है, वो 4 बार एमपी रहे, प्रदेश के अशोक तंवर जी से पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर इन दोनों के बीच में आप कंपैरिजन करोगे आज के समय में, तो बेशक अशोक तंवर जी अध्यक्ष है, लेकिन कद्दावर जो नेता काउंट किया जाता है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किया जाता है। और जैसा कि राष्ट्रीय पार्टियां, जो कांग्रेस का कल्चर रहा है वो यही रहता है कि अगर कैथल में वो आएंगे तो रणदीप सुरजेवाला जी की बात करेंगे, अगर भिवानी में जाएंगे तो चौधरी बंसीलाल और किरण चौधरी जी की बात करेंगे, अगर अहिरवाल में जाएंगे तो वो कैप्टन की बात करेंगे। अलग अलग इलाकों में अलग अलग चेहरे पेश करती है। देखिए ऐसा है, जैसे अनिल जी कह रहे थे ना कि कांग्रेस का कल्चर है, अनिल जी ये भी बताएं कि कांग्रेस का ये भी कल्चर रहा है कि भजन लाल जी किसी वक्त कद्दावर नेता थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे, बाद में कांग्रेस ने क्या किया, उसके बाद उनको ये भी बताना चाहिए कि बंसीलाल जी कद्दावर नेता थे और उसके बाद क्या हुआ, पार्टी से बाहर निकलना पड़ा, भजन लाल जी को पार्टी से निकाला, और भजन लाल जी क्या किया, ये जो हुड्डा साहब सीएम बने थे वो भी बता दीजिए कि उस वक्त भजन लाल जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, लेकिन हाईकमान ने हुड्डा जी को गद्दी बिठाया था, हुड्डा जी नेता नहीं थे, उनको हाईकमान ने बिठाया था, लेकिन भजन लाल जी को पार्टी को छोड़ना पड़ा था और जो बंसीलाल जी को पार्टी को छोड़ना पड़ा था, ये भी कांग्रेस की कल्चर है अनिल जी, ये भी बताइए, और लगभग वही नौबत हुड्डा साहब के
साथ यहाँ पे आ चुकी है ये भी बता दीजिए। अत्रे जी आपको नहीं पता नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ भजन लाल जी को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा था इतने बड़े कद्दावर नेता को, और गद्दी पे किसको बिठाया था? जो नेता नहीं था उसको छोड़ के जाना पड़ा साहब के साथ। एक बार के लिए जब सोनिया गांधी मान लेती है कि राहुल गांधी हमारे बॉस हैं, तो यहाँ जो अध्यक्ष हैं उसमें मानने में परेशानी क्यों? कौन नहीं मान रहा मैम? अशोक तंवर बॉस हैं हरियाणा कांग्रेस के, कहिए कहिए। हमारे तो दोनों बॉस हैं। दोनों कैसे हो गए जनाब, उनके पास कोई पद है? वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष। सोनिया गांधी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का नहीं है? आप मेरी जब अध्यक्ष है तो बॉस है, अध्यक्ष है आप कह रहे हो ये बात? मैं नहीं, सोनिया गांधी कह रही है सर, सोनिया गांधी कह रही है। देखिए मेरी बात सुनो, आपने जो एक मंथन और जो हुड्डा साहब बार एसोसिएशन मीटिंग में रखे गए थे, आपने वो बाइटें सुनाई, मुझे भी सुनी है, पर मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ, छोटा सा जवाब होगा ना, दोनों मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि हमारे में ऐसी कोई बात है, तो ये AICC हमारी है, वो इसी काम के लिए है, वो फैसला करेगी ना। फैसला है ना कि अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष हैं, अशोक तंवर हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उसको मान लीजिए ना कि फैसला AICC का तो अध्यक्ष अपना काम कर रहे हैं, हुड्डा साहब अपना काम कर रहे हैं, वो बड़े नेता हैं दोनों। अरे AICC तो मान रही है, AICC ने तंवर को अध्यक्ष बना रखा है। इसी बात का जवाब दे दीजिए कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष जब अशोक तंवर हैं तो बोस कैसे नहीं हो सकते? कौन? अमरदीप कौर जी ने आपसे लिया जवाब। ज्योति, सबसे पहले संजय शर्मा जी अडवाणी जी के बारे में बताएंगे कुछ? अपना अडवाणी मैडम सवाल के बदले सवाल मत पूछिए, रिक्वेस्ट है, बहुत कम समय है। आप एलके अडवाणी पे चले जाते हैं, आप बीजेपी पे चले जाते हैं, बताइए ना कि अशोक तंवर बोस है, क्या अशोक तंवर अध्यक्ष है? सुनिए एक बार के लिए, अशोक तंवर अध्यक्ष है तो क्या वो बोस भी है? चूंकि राहुल गांधी अध्यक्ष है, संदर्भ नहीं वो बात आप कह रहे हो, इसका कोई संदर्भ ही नहीं है। 2019 के अंदर हम सरकार बनाएंगे, अरे मैडम किसकी लीडरशिप में बनाएंगे बताइए, लीडरशिप किसकी होगी? लीडरशिप की लड़ाइयां लड़ रहे हैं आप लोग, बताइए लीडरशिप किसकी होगी? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो बॉस हैं वो डॉक्टर अशोक तंवर हैं, ठीक है, हम उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में। डिंगरा साहब आपको परेशानी है, देखिए आपको परेशानी या तो तब होनी चाहिए थी जब मैंने कहा कि आप हुड्डा खेमे से आते हैं, या फिर आप परेशानी आपको होनी चाहिए जब मैंने अमरदीप कौर जी को कहा कि वो तंवर खेमे से आती है, वो मानती है कि बॉस जो है अशोक तंवर है, बताइए। देखिए मैं आपको ये बताऊं, हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और आपको मैं बार बार बोल गया, ये तीन बार हमारी बात हो चुकी ये बात ही बहुत हास्यास्पद हो जाता है। एक बात मुझे कहना है, असल में अशोक तंवर जी एक बात कह गए कि हम अपनी सेहत सुधारने में लग रहे हैं, तो ये ठीक बात है क्योंकि 10 साल तक उन्होंने हरियाणा का जो माल खा करके अपनी सेहत को बिगाड़ा था, अब साइकिल चला करके अब साइकिल खड़ा, अब गए ना हुड्डा साहब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है ना, पता लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप अपनी सेहत को सुधारिये, हरियाणा की जनता आपके शासन से मुक्ति पा करके बड़ी आनंद में है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में बड़ी आनंद में है। ये बात आप गलत मत करिए, पहले आप गलत बात को वापस हुड्डा ने कहा, सुनिए एक बार के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मंथन का ये वक्त नहीं है, सड़कों पर आकर संघर्ष करने का वक्त है। उस पर अशोक तंवर कहते हैं कि सुझाव है तो हमारे पास आइए, अगर सुझाव नहीं है तो वही लोग पास नहीं आ रहे हैं जो सुझाव देना नहीं चाहते। सुनिए, समाजवाद के नाम पर हमने ऑफिसेस सबको इतला करवाई है, जो साथी कांग्रेस की मजबूती के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं उनका सबका स्वागत इसमें है और सभी साथियों को बुलाया। कोई बात नहीं, अपने अपने वो जो होती है, हो सकता है उनको सुझाव देने की जरूरत ही ना महसूस हो रही है, सुझाव ही ना उनके पास। शहर में होने के बावजूद यहाँ नहीं आ रहे, नहीं कोई वैसी बात नहीं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो हुड्डा साहब हैं वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आज ये आपको सारे चैनल के माध्यम से भी पता लगा है, वो कद्दावर नेता हैं, उन्होंने 10 साल जो हरियाणा के अंदर काम किया उसमें हरियाणा की जो प्रगति हुई वो बहुत ऊपर है। देखिए हमारा बॉस को गलत लगता है, हमारे बॉस आज की डेट में राहुल गांधी हैं, हमारे बॉस जो है वो राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस एक है। आपको ये मैं बताना चाहूंगा, जो आप मुद्दा लेके आए हैं उसका फैसला हाईकमान करेगी, और नहीं, हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता आप हैं, आप मत बताइए ना तो अमरदीप फैसला कर सकती ना मैं फैसला कर सकता। अमरदीप कौर जी ने तो किया, एक बार किया कि कांग्रेस के खिलाफ अशोक तंवर है, कांग्रेस के
उनका अपना माइंड है, पर मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो इसका फैसला है वो हमारी हाईकमान करेगी और हाईकमान ही सक्षम है। हम और अमरदीप फैसला ने किया है सर, मानिए ना कि हरियाणा अध्यक्ष चुप कवर है। जहां तक आप जो कला की बात कर रहे हैं, हमारी हाईकमान इसीलिए है, वो उस बात का फैसला। आपके हाईकमान ने ही तो कहा है कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चुप कवर है। हमारे अध्यक्ष है तो वो है जो कि सोनिया गांधी मानती है, अध्यक्ष है तो वो है जो कि सोनिया गांधी मानती है। दोनों बड़े नेता हैं। बड़े नेता नहीं सर, बड़े नेता और भी बहुत सारे हैं। बड़े नेता और भी बहुत सारे हैं। आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया, बाकी बहुत कुछ बोल दिया। एक बात बोलूंगा, देखिए एक बात तो ढिंगरा जी, AICC जो आपकी है उसी ने अशोक तंवर को अध्यक्ष बनाया, तो इस बात को तो आप मानिए कि AICC ने निर्णय किया कि अशोक तंवर अध्यक्ष रहेंगे, तो मान रहे हैं ना। सुनिए, अब आप कह रहे हैं कि हुड्डा साहब कद्दावर नेता है, आप तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन तंवर साहब तो नहीं कहते इस बात को। बिल्कुल, तंवर साहब इस बात को मानते भी नहीं है। क्या तो यही तो विरोधाभास है, विरोधाभास है। तंवर साहब से देखिए, आप पूछ सकते हैं क्योंकि आप पार्टी के हैं, तो आप पूछिए, या ज्योति पूछ सकती है। जब तंवर साहब सामने खड़े हो गए, ये पूछ भी नहीं सकते, ये पूछ भी नहीं सकते। देखिए मैं तो कह रहा हूं, इसका जो इंसान ये कह रहा है कि AICC से वो पूछ नहीं सकते, इस बात का फैसला AICC करेगी। अरे AICC ने तो फैसला कर दिया, उनको प्रधान बना दिया। बड़ा छोटा तो AICC फैसला करेगी। भाई उनको पद दे दिया, हुड्डा साहब को पद नहीं दिया, फैसला तो AICC ने कर दिया। दादून साहब, 2019 में कांग्रेस को नुकसान कितना होगा इस तरह के झगड़ों, इस तरह के गुटबाज से? देखिए, गुटबाजी से इंप्रेशन तो डाउन होता ही है, लगता है कि भाई ये पार्टी किस तरह से प्रदेश को संभाल पाएगी। इतना बड़े आपस में जो है टकराव है, आंतरिक संघर्ष बहुत चल रहा है, और हाईकमान का जो रोल है वो दिखाई नहीं दे रहा है। सेंट्रल लीडरशिप क्या है कि हमेशा जो है स्टेट की यूनिट्स को अपने नजरिए से देखता है कि वहाँ किसको काबू में रखना है, किसको खुली छूट देना है। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर हुड्डा साहब जो इस प्रदेश में इतने एक्टिव थे, तो चाहता तो हाईकमान तो कुछ और तरीके से भी उनको कंट्रोल कर सकता था, चाहता तो उनको गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी दे देता, कोई और जो है अखिल भारतीय स्तर की कहीं पार्टी का इंचार्ज बना के भेज देता। अमरदीप कौर जी, आप लोगों को जनता वोट क्यों दे? आप लोगों का यही डिसाइड नहीं हो पाता कि रथ से चलना है, साइकिल से चलना है, मंथन करना है या फिर पंचायत करनी है? आप लोग अपनी ही लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की बातें ही नहीं कमाल कर रही हैं। अभी आप देखिए कि गुड़गांव का भी मंथन हुआ है, उसके बाद जो है चंडीगढ़ भी मंथन शिविर रहा है, हिसार में भी मंथन शिविर रहा है, 36 वर्ग जो है। हुड्डा साहब कहते हैं कि मंथन का वक्त ही नहीं बचा है, मंथन करने का वक्त नहीं, संघर्ष का वक्त है। और आपको ये कांग्रेस का मंथन नहीं, अशोक तंवर का मंथन था। सुनिए, पहले आप मेरी बात बताइए, हुड्डा जी ने क्यों कहा, इसका जवाब तो वो खुद देंगे। मैंने बड़ा ठीक है आप लोगों का, ढींगरा साहब कहते हैं तंवर से पूछो, आप कहते हुड्डा साहब से पूछो, आप लोगों को प्रवक्ता बनाया गया है। वो तंवर जी है, ज्योति जी देखिए, जो अध्यक्ष का पद है वो जब सरकार नहीं होती है तब महत्वपूर्ण होता है। मेरी नजर में अगर कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है या मुख्यमंत्री है या सरकार जब हो जाती है तो बन जाती है, तो अध्यक्ष का पद इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, मुख्यमंत्री का पद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों नेताओं की जो नजर है वो मुख्यमंत्री के पद पर है कि किसी भी तरीके से पार्टी के जो वर्कर्स है या नेशनल लीडरशिप को मैसेज दिया जाए कि हमारा फॉलोइंग बड़ी है, हमारा पॉकेट बड़ा है। यही दोनों के बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया जाए, मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया जाए बाकायदा कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे। रणदीप सुरजेवाला जी भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं, सभी लगे हुए हैं, यादव जी इसी कोशिश में, तो सब बड़े तो असल में कांग्रेस के पास दूसरे जगह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो अपने समय पास करने के लिए आपस में संघर्ष करने में लगे हैं और अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं। आखिरी कमेंट में ले लूं, हालांकि समय नहीं, ढींगरा साहब किसकी लीडरशिप में 2019 में जाएंगे? देखिए, ये भी AICC तय करेगी, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, संजय जी के कहने से नहीं होगा कुछ भी, और अत्रे जी के कहने से कुछ नहीं होगा। इन्होंने अपना अपना काम किया, साहब आपका कहना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता दूं, सब कुछ क्लियर कर दिया गया पूरी डिबेट में, हमारी अशोक तंवर बॉस हैं, अशोक तंवर बॉस हैं। देखिए, हमारा AICC जो है फिलहाल, शुक्रिया आपका, बात के बारे में फैसला, शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो अशोक तंवर खेमे से जो कांग्रेस की प्रवक्ता आती हैं, उनकी ओर से कहा गया कि अशोक तंवर ही बॉस हैं, तो इसको लेकर हमने चर्चा की कि किसका कद बड़ा है, किसकी लीडरशिप में जो है कांग्रेस 2019 में जा सकती है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।